केसी बुकाड़िया की फिल्म प्यार चुपता ने 1985 में रिलीज हुई थी और ये बहुत बड़े हिट थे। लेकिन इस फिल्म को बनाने में और इसे रिलीज करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किन किन हर्डल्स को केसी बुकाड़िया ने पार किया और कैसे ये फिल्म हिट हुई, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि हमेशा की तरह अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। केसी बुकाड़िया ने एक लव स्टोरी की प्लानिंग की, उस वक्त एक्शन फिल्मों का दौर था तो इसके लिए उन्होंने ऋषि कपूर को साइन करना चाहा, लेकिन ऋषि कपूर ने डेट प्रॉब्लम्स की वजह से उस फिल्म को नहीं किया और इस फिल्म में ऋषि कपूर की जगह उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को ले लिया। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर काफी हिट हो चुकी थी। फिल्म 83 में बनकर तैयार हो गई लेकिन 83 में फिल्म कंप्लीट होने के बावजूद भी केसी बुकाड़िया को 2 साल तक इंतजार करना पड़ा कि कोई इसे इस फिल्म को वितरित करे। जब इसका वितरक कोई नहीं मिला तो उन्होंने खुद इसे रिलीज करने की सोची। असल में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो चाह रहे थे कि इस फिल्म में मिथुन को ना लिया जाए, क्योंकि उनका यह कहना था कि मिथुन एक एक्शन हीरो की इमेज रखते हैं, एक डांसर की इमेज रखते हैं, वैसे में वो एक इमोशनल एक्टर का रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन केसी बुकाड़िया का मानना था कि नहीं, यही इस फिल्म का हाईलाइट होगा कि एक एक्टर जो डांसर और अपने एक्शन सीन के लिए जाना जाता है वो इमोशनल रोल भी कर सकता है और ये फिल्म जरूर चलेगी। खैर, जब कोई वितरक नहीं मिला तो इसे केसी बुकाड़िया ने रिलीज किया। जब ये फिल्म रिलीज हुई, पर्दे पर आई तो एक बहुत बड़ी हिट रही। 2 साल तक इस फिल्म का इंतजार किया गया, कोई वितरक नहीं मिलने के कारण तो लोगों को यही लग रहा था या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको यही लग रहा था कि फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ इससे ठीक उल्टा। इस फिल्म के हिट होते ही मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी भी बहुत हिट हुई। इसके पहले मिथुन ने पद्मिनी के साथ कभी काम नहीं किया था और इस फिल्म के हिट होते ही केसी बुकाड़िया, जो कई दिनों से फिल्में नहीं बना रहे थे, लगातार फिल्में बनाना शुरू कर दिए। विजय सनाना जिस फिल्म के डायरेक्टर थे वो भी लाइमलाइट में आ गए और एस एच बिहारी जो कि बहुत ही उम्दा और पुराने गीतकार है, राइटर है, वो भी फिर से उनका भी दौर आ गया। और इस तरह इस फिल्म में जितने भी कास्ट थे और टेक्नीशियन थे वो फिर से एक बार लाइमलाइट में आ गए और इस एक फिल्म की वजह से कई लोगों को फायदा हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी थी प्यार चुपता ने की रिलीज की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कुछ कमेंट करना चाहते तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।